लद्दाख, नाम तो सुना ही होगा। एक ड्रीम डेस्टिनेशंस, एक बाइकर्स का सपना। जी हाँ, कारगिल श्रीनगर होते हुए एक तरफ गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान और दूसरी तरफ एलओसी होते हुए सियाचिन ग्लेशियर, इसके बीचों बीच स्थित एक जगह जो आज टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए काफ़ी फेमस है। और इसको पूरा करने के लिए हम अपने मोहतरमा के साथ अपने घर कोलकाता से निकले थे जुलाई के 7 तारीख को। तो आइए मिलते हैं आपसे वीडियो में। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ छन्नोछड़ा बोंग। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज है 7 तारीख और अभी टाइम हो रहा है 3:41 और हम लोग अभी निकल रहे हैं अपने ड्रीम डेस्टिनेशंस के लिए जो कि है लद्दाख। तो आज टारगेट है वाराणसी तक जाने का। अभी रास्ते में आपसे मिलते हैं और बाकी सारे बातचीत करते हैं। तब तक हम अपना सामान जो बैग हमने लिए है वो अपना पैक कर लेते हैं। Okay.
अभी दोपहर का हम लोग का लंच हो गया है। हमने इधर आके लंच किया गुप्ता होटल, ये एकदम मेन रोड में है, ये वाला है होटल। खाने में लिया था रोटी और चना, जो कि बहुत रोटी तो बहुत बढ़िया बनाया था। बाकी अभी सामान पूरा रेडी है, तो चलिए देखते हैं कितना तक जा सकते हैं आज। अपडेट दे रहे हैं, अभी रात के 9:45 बज रहे हैं और अभी रुके हैं हम ये बबलू गुप्ता का जो होटल है प्योर वेज, उसमें खाना खाने के लिए।
आगे पूरा जैम था रास्ता, क्योंकि किसी का एक्सीडेंट हो गया था इसीलिए पूरा जैम हो गया उधर। 2 घंटा उधर बैठ के फिर हम आए। अभी होटल नहीं मिला रहने के लिए और खाना खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था, तो रास्ते में ये दादा का होटल मिल गया, तो इसमें हम लोग आए खाना खाने के लिए। आपको दिखा रहे हैं एकदम नेशनल हाईवे के बगल में है, ये आपका हाईवे है इधर। और ये आपका होटल है, तो पहले खाना खाते हैं उसके बाद देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो खाना आ गया, हमने ऑर्डर किया था चावल और मिक्स वेज, देख लीजिए आप एक बार। चावल तो बहुत दे दिया, इसमें आधा आधा खा लेंगे, अगर लगेगा तो हम भैया को बोले कि हम मांग लेंगे। तो ठीक है, हम खाना शुरुआत करते हैं। बहुत भूख लग गया था, थोड़ा वीडियो पॉज करते हैं और हम लोग खाना खाने कंसंट्रेट करते हैं, बहुत भूख लग गया है।